नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं आगरा स्टेशन। पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा। अब दोस्तों हमें आज क्या है कि आज ताजमहल खुला नहीं रहता। आज फ्राइडे के दिन ताजमहल खुलता नहीं, हम लोगों को पता नहीं था, हमने ध्यान नहीं दिया। पता था हमें पहले से, लेकिन ध्यान नहीं दिया। आज फ्राइडे है तो आज चलते हैं होटल लेते हैं। होटल पहुँच के आपको दिखाते हैं किस प्रकार होटल है, और वहाँ रुकेंगे और कल इसके बाद आपको दिखाएंगे ताजमहल। आज तो अभी बंद है ऑटो, अभी सब कोई बैठ जाते हैं, फिर इसके बाद दिखाते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. कुछ स्टेशन के बाहर का ऐसा कुछ लोकेशन है दोस्तों, और यहाँ से अब ये कार्यालय मंडल रेल प्रबंधन आगरा, यहाँ से आपको ऑटो बड़े आराम से मिल जाएगा आप होटल के लिए। अभी हम होटल ही जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे किस प्रकार है और कहाँ पे है। दोस्तों चलिए चलते हैं होटल की ओर, लेकिन दोस्तों आप होटल अपने हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि यहाँ होटल सस्ते महंगे मिलते रहते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपको किस प्रकार होटल चाहिए, लेकिन हम जिस होटल में जा रहे हैं आप उसका पूरा एक्सप्लेन करेंगे, कितने में है कितने में नहीं है आपको पूरा भी। देखिए हम होटल के बाहर पहुँच चुके हैं। इस होटल का नाम है दोस्तों तो ये है कुछ होटल। अभी आपको अंदर दिखाते हैं किस प्रकार यहाँ का रूम है और क्या है सब कुछ आपको दिखाया गया। अभी बाहर से आपको होटल दिखा देते हैं किस प्रकार होटल है यहाँ, और रुकने का पूरा आपको डिटेल बताएंगे, आप यहाँ रुकते हैं कितना आपको खर्चा लगेगा, आपको सब कुछ दिखाते हैं। पीछे देखिए क्या तो इस होटल में हम रुके हैं, इस होटल में। अब आगे पूरा आपको दिखाते हैं कितना चार्ज लगता है, क्या लगता है आपको, हम पूरे रूम में दिखाएंगे, रूम बताएंगे क्या चार्ज है, और यहाँ आने के लिए कहाँ से आना पड़ेगा। अंदर होटल की तरफ और आपको दिखाते हैं होटल किस प्रकार है। देखिए हम बैक कैमरे से दिखा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों होटल। यहाँ से आप पहले टिकट लेंगे और अपने रूम का चाबी। दोस्तों अंदर से ऐसा कुछ है होटल, और ये देखिए रुकने के लिए। अब कुछ रूम इधर बनाए गए हैं, अभी ये खाली है पूरे। अभी दिखाते हैं ऊपर, अपना रूम दिखाते हैं कहाँ पे है। सोया नहीं है ट्रेन में आज, तो अभी जाके सोएगा। अच्छा तुम भी नहीं सोए हो, ये भी नहीं सोए हैं, अभी जाके वहाँ सोएंगे अंदर। अभी आपको लेके चल रहे हैं ना अपने रूम की तरफ। अभी पूरा फ्रेश व्रेश हो जाएंगे, इसके बाद जाएंगे फतेहपुर सीकरी आज देखने। और हमारा रूम नंबर 24, ये दोस्तों रूम नंबर 24, छोटा ताला लगा है, ताला हमारे चाबी से खुल जाता है। दोस्तों ऐसा कुछ रूम है यहाँ, देखिए ज़्यादा कुछ खास नहीं है लेकिन सही है। ये ऊपर का ये जो लगा है कवर, ये कुछ खास नहीं है, ये और ये रखने के लिए बस सीजा ये। हम तैयार हो चुके हैं और फटाफट ये देखिए रेडी हो गए हैं सब भाई लोग, एकदम स्मार्ट। ये तो हीरो है भाई, ये भी हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये बैग ऐसे सब पड़ा हुआ है, जब आएंगे तो बना लेंगे जब सोना होगा। ये देखिए और सामने दिखाते हैं पूरा किस प्रकार रूम है चारों तरफ से बैग से सामने देखने के लिए, और ये चारों तरफ से पूरा फोल्ड करके जाओगे कि ऐसे जाओगे। ये देखो क्या चाहिए, हाँ देख लो, ये सब टीवी लगा हुआ रही है भाई, स्मार्ट लग रहा है। ये देखो सोफा रखा गया है, चले। अब चलते हैं नीचे और ऑटो लेते हैं, इसके बाद जाएंगे फतेहपुर। अब देखिए हमें ऑटो बाहर से मिलेगा, कितना लेता है वहाँ का चार्ज आपको बताएंगे पूरा डिटेल, और होटल का किराया क्या है आपको ये भी पूरा बताएंगे, लेकिन वीडियो में देखते रहिए। ऑटो आ गई है, अब हम जा रहे हैं ऑटो में बैठ के और खाना खा रहे हैं। पहले भैया खाना जहाँ मिलेगा वहाँ लेके जाएंगे, पहले हम खाना खा लेंगे इसके बाद जाएंगे फतेहपुर। भैया का नाम बताएंगे, डिटेल बताएंगे, ऑटो नंबर बताएंगे, मोबाइल नंबर बताएंगे, सब कुछ। होटल से बाहर निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं भैया के साथ वहीं खाना खाने। खाना खाने के बाद आपको दिखाते हैं वहाँ फतेहपुर के कहाँ से कहाँ जाना है, भैया बताते जाएंगे और हम आपको बताएंगे।
दोस्तों ये रही है, ये पनीर, ये सब्जी, ये दाल है, चावल है, सलाद है, ये रोटी आ गए हैं, ये भाई लोग सब कोई खा रहे हैं। रेस्टोरेंट का कुछ ऐसा सीन है, देख लीजिए। तो यहाँ खाने में लोचा हो गया, लड़ाई हो गया, काहे कि 150 रुपया थाली था लेकिन 250 रुपया थाली। देखिए दोस्तों, फतेहपुर सीकरी पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ का आपसे बोले थे कि हम खर्च पूरा सब कुछ बताएंगे, तो हम भाई से पूछते हैं कि कितना खर्च लगा, पूरा डिटेल से बताएंगे। रेलवे स्टेशन से यहाँ आने का, यहाँ से फतेहपुर जाने का, सीकरी गए, घूमने का खर्च, पूरा सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई बताओ यहाँ आने का खर्च कितना लगा? हम जब रेलवे स्टेशन से आए तो हमें यहाँ होटल तक आने के लिए हमको 40 रुपए का लगा, एक लोग का बताओ। मेंबर का हमने 10-10 रुपए दिया। हाँ। उसके बाद रूम में एंट्री लेने के बाद हमें होटल का किराया हमको देना पड़ गया कम से कम, नहीं तो 600 रुपए। 600 हम लोग को बोला कि 800 रुपए पर हम लोग कंसेशन करवाया तो जहाँ 600 रुपए पड़ा। इसके बाद हम लोग फतेहपुर के लिए एक ऑटो बुक किया जिसमें हमको 1000 रुपए ऑटो का देना पड़ा। इसके बाद वहाँ भी एंट्री के लिए 200 रुपए देना पड़ा, वहाँ तक हमको ले गया सीकरी तक। देखो हाँ, वहाँ सीकरी तक ले गया। हाँ। वहाँ तक हमको हमारा किराया लगा कितना, टोटल 200 रुपए चार्जिंग वगैरह। हाँ। सब मिला के फिर इसके बाद वहाँ और अंदर गए तो हमें सीकरी दिखाया जिसमें एक गाइडर मिला, जिसमें गाइडर को हमको देना पड़ा क्या 600 रुपए, वो भी गवर्नमेंट था, वो गवर्नमेंट वाला था, गवर्नमेंट की चार्ज होती है वो हमको देना पड़ता है। और ऊपर शायद 50-50 ये लोगों का एंट्री का लगा था, जो नीचे ही टिकट करवाना पड़ता है, ऑनलाइन ऑफलाइन आप कुछ भी कर सकते हैं। और वहाँ से आने का भी खर्च कुछ नहीं लगा, सिर्फ जाने का 1000 लगता है, तो उसमें दोनों रहता है, आने जाने का दोनों का खर्च लगता है। आप यहाँ से ऑटो ले सकते हैं या कार ले सकते हैं, कार में दोगुना लगेगा, ऑटो में कम लगेगा। तो जैसे आपकी मैनेज हो तो वैसे करिए। और होटल आपको दिखा दिए हैं, काफ़ी अच्छा है ये। तो अब हम आपको दिखाते हैं होटल के अंदर खाना किस प्रकार मिलता है। काफ़ी अच्छा खाना भी मिला था, काफ़ी हम बाहर खाना खाए थे तो हमें बहुत महंगा खाना मिला था, 300 रुपये थाली मिला था, तो बहुत महंगा हो गया था। तो इस बार हम होटल से ही खाना, 100 रुपये थाली खा रहे हैं। कितने रुपये थाली है? 100 रुपये थाली, मात्र 100 रुपये। ये देखिए सर, मात्र 100 रुपये थाली है। अभी हम बैक कैमरे से दिखाते हैं, बहुत अच्छा है भैया, टाइम टू टाइम सब कुछ देते रहते हैं। पानी भी आ गया है हमारा, अब दिखाते बैक कैमरे में पानी, ये खाना, और ये घर जैसे खाना लग रहा है हमें, काफ़ी अच्छा है, रूम भी बहुत सही है। और 500-600 के हिसाब में रूम तो काफ़ी अच्छा है, देख लीजिए खाना यहाँ का, एक नंबर का खाना है। दोस्तों इसी वीडियो को यहीं पे करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।